नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्नी पिंपल्स के बारे में और इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती हैं। दोस्तों, आमतौर पर लड़कियों को प्यूबर्टी के दौरान एक्नी पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सबसे ज़्यादा 13 साल से 21 साल के बीच होते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ने के कारण एक्नी पिंपल्स होते हैं। एक्नी पिंपल्स ऑयली स्किन और डेड सेल्स होने के कारण शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन 90% फेस और फेस के आसपास इनको देखा जाता है। दोस्तों, एक्नी के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पिंपल्स, वाइट हेड्स, डार्क हेड्स, जो बाद में कई बार चेहरे पर निशान छोड़ जाते हैं। दोस्तों, एक्नी पिंपल्स कोई बीमारी नहीं है, प्यूबर्टी के दौरान इनका होना आम बात है। अगर आपको नॉर्मल से ज़्यादा एक्नी पिंपल्स हो रहे हैं तो ऑयली फूड और फास्ट फूड कम खाएं, फ्रूट्स और पानी का ज़्यादा सेवन करें, अपने डॉक्टर से परामर्श लें। आइए दोस्तों, जानते हैं एक्नी पिंपल्स के लिए किन होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, पहली मेडिसिन है पल्सेटिला 30। प्यूबर्टी के दौरान होने वाले मेंसेस डिस्टर्ब में अक्सर लड़कियों को एक्नी पिंपल्स हो जाते हैं। ऐसे में आप पल्सेटिला 30 की दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीप पढ़ लें। तो नेक्स्ट मेडिसिन है कैल्केरिया फोस। फैटी लड़कियों और एनीमिया के पेशेंट में इस दवाई का सेवन किया जाता है। दोस्तों, कैल्केरिया फोस 6x पोटेंसी में भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है। अगर आपको कैल्केरिया फोस 6x पोटेंसी में मिलती है तो इसकी दिन में 3 बार 4-4 गोली लें। अगली दवाई है दोस्तों ग्रेफाइटिस 30। जिन पेशेंट्स में पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद एक्नी पिंपल्स निकलते हैं, स्किन ड्राई रहती है, ऐसे पेशेंट्स में ग्रेफाइटिस 30 की दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीप पढ़ लें। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर 200। जिन रोगियों में एक्नी पिंपल्स में पस फॉर्मेशन हो जाती है, ऐसे लोगों को सल्फर 200 की सुबह खाने के बाद 2 बूंद जीप पढ़ लें। दोस्तों, अगली दवाई है काली ब्रोम 30। जिन पेशेंट्स की ऑयली स्किन होती है और एक्नी पिंपल्स ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जिनमें पस फॉर्मेशन और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे पेशेंट्स में काली ब्रोम 30 की दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीप पढ़ लें। दोस्तों, अगली दवाई है बर्बेरिस एक्यूफोलियम क्यू। पिंपल्स होने के बाद जो काले निशान हो जाते हैं उनको हटाने में ये दवाई बहुत मदद करती है। इस दवाई की 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। उन दवाइयों में आपके सिम्टम्स मिले आप वही दवाई खाएं, नहीं। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से एक्नी पिंपल्स से पीड़ित हैं और इन दवाइयों में आपके सिम्टम्स नहीं मिले तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर इसका इलाज ले सकते हैं।